करके मुंह ढके उनकी हत्या कर दी गई है और आज तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। आज ये ज्ञापन हम लोगों ने मकरणा उपखंड के अधिकारी सुनील कुमार जी को, मकरणा के तमाम मस्जिदों के इमाम के साथ में ये ज्ञापन दिया गया है। वो ये ज्ञापन इस बात का दिया गया है, पिछले 3-4 रोज पहले अजमेर के अंदर एक मस्जिद के अंदर इमाम की किसी ने 3 व्यक्तियों ने मुंह बंद करके मुंह ढके उनकी हत्या कर दी गई है और आज तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए, जिसको लेके कई जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो हमारे मकरणा के जितने भी मस्जिदों के इमाम है या धार्मिक स्थानों के जो भी है, मेरे पास इमामों के तो फोन आए हैं, उसके साथ में हमारे यहाँ के पुजारी है उनके भी मेरे पास फोन आए थे, बिमल जी तो पुजारी साहब है या चार पूजा के लिए कि एमएलए साहब ये घटना गलत घट रही है। तो इसको लेके हम आज ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आज 4 दिन से ज़्यादा हो गया है, मुलजिम आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। एक तो मुलजिम अरेस्ट हो जाए, दूसरी बात उस पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा इनकी 5 करोड़ की सहायता दे, क्योंकि इमाम साहब एक बहुत ही गरीब परिवार से वो थे जो मस्जिद में इमामत करते थे। तो इमाम की कोई तनख्वाह ज़्यादा भी नहीं होती है, 10-15 हज़ार रुपये होती है, उसका परिवार का पालन पोषण के लिए 5 करोड़ की हमने मांग की है। और एक सरकारी नौकरी जो बच्चे की उनके परिवार में अगर मालिक है तो उसको सरकारी नौकरी मिले या उनकी घरवाली को कोई नौकरी मिले या अनुकंपा के अंदर उनको परिवार को एक नौकरी मिले ताकि अपना वो रहन सहन खान पीन वो कर सके। ये 3 मांग लेके हम सभी मकरणा के इमाम और सभी मस्जिदों के जो मुख्य हमारे समाज के अध्यक्ष वगैरह हैं उनके साथ में ज्ञापन दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नाम से दिया गया है। वो HDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ये जो मांगे है वाजिब मांगे मुख्यमंत्री तक कलेक्टर साहब के माध्यम से वहाँ भिजा दी जाएगी ताकि इसमें कार्रवाई होगी। और मैं इसके लिए लगातार अजमेर रेडी SP महमूद खान साहब के भी टच में हूँ, तो उनसे भी मैं फीडबैक ले रहा हूँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी 1-2 रोज के अंदर हम अरेस्ट नाम को जिनकी हत्या की उनको